और अब उन्होंने यहाँ पे एक टावर बना दिया है और यहाँ का अद्भुत नज़ारा आपको दिखाता हूँ। पहले दोस्तों जिस साइड को मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे एक बहुत ऊंचा टावर होता था। तो फ्रेंड्स ये जो है हमारा बिनसर का टूर है और मैं आगे चल के अभी आपको पूरा अच्छे से बिनसर कवर कराऊंगा, बिनसर दिखाऊंगा कि कितना खूबसूरत जो है ये बिनसर है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपको दिन में कोई भी एनिमल की साइटिंग यहाँ पे हो सकता है अगर चांस है तो लेपर्ड दिख सकता है, बाय चांस आपको कोई चीज़ें दिख सकती है, लेकिन ऐसा कोई बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत ज़रूरी नहीं है। तो अभी मैं जो है ट्रैक कर रहा हूँ और आपको बताऊँगा कि देखिए आगे कितना अच्छा सुंदर हमको ट्रैक देखने को मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं बिनसर को आगे। और अभी हम लोग बिनसर TRC के पास में हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है बिनसर TRC जो आगे आपको दिख रहा है, ये दोनों बोर्ड्स के आगे। मैं आगे चल के आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। बहुत शांति है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पहाड़ में आकर के सचमुच में आपको सुकून तो मिलता है, शांति तो मिलती है। जिन लोग को अच्छा लगता है नेचर से जुड़े रहना, शांति में आना, तो उनके लिए तो ये सचमुच में एक बहुत खूबसूरत जगह है। तो ये जो है बिनसर का TRC है, टूरिस्ट रेस्ट हाउस, TRHP आप इसको बोल सकते हैं, टूरिस्ट रेस्ट हाउस। देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके है और यहाँ पे आपको आने से पहले ऑनलाइन बुकिंग करवाना पड़ता है और बुकिंग कराने के बाद में आप आराम से रह सकते हैं। आपको यहाँ पे देखिए ये ऐसे छोटे छोटे लंगूर कहते हैं जिनको ये देखने को मिलेंगे, जंगल बहुत ही खूबसूरत मिलेगा देखने के लिए। और फिर यहाँ से जो है ट्रैकिंग बिनसर टॉप के लिए स्टार्ट होती है जो कि अराउंड 1.5 किलोमीटर का पड़ता है, 1.5 किलोमीटर से थोड़ा सा कम ही है। अगर आप ऐसे जंगल वाले ट्रेल्स लेंगे तो वो थोड़ा सा और शॉर्ट हो जाएगा, अगर आप बाय रोड ट्रेवल करेंगे तो पूरा 1.5 किलोमीटर आपको पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे देखने के लिए आपको बाय चांस है, बहुत सर्टेन नहीं है कि आपको कोई वाइल्ड एनिमल देखने को मिलेगा, बाय चांस में आपको डियर दिख सकता है, बाय चांस में आपको कांकड़ कहते हैं, घुरड़ कहते हैं, वो दिख सकते हैं, बाय चांस लेपर्ड दिख सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन बर्ड्स और ये बटरफ्लाइज आपको ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से हम आगे को बढ़ते हैं, थोड़ा तो आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं आगे कैसा सिनेरियो है। बहुत पीसफुल है, आप लोग आके यहाँ पे पिकनिक भी कर सकते हैं, कुछ अपना सामान ला के यहाँ पे बना के भी खा सकते हैं, यहीं पे अपना कुछ भी बना लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं, मैगी वैगी हल्का फुल्का बना के आप खा लीजिए। और ऐसे करके है पूरा जंगल है, पूरा डेंस फॉरेस्ट है नीचे को, और यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो ओक ट्री होता है यानी कि बांज का पेड़, रोडोडेंड्रोन होता है यानी कि बुरांश कहते हैं, इसका आपको जूस भी मिलता है पीने को वो वाला पेड़, और यही पेड़ जो है यहाँ पे ज़्यादातर मिलते हैं। और यहाँ का एक फल होता है काफल कहते हैं उसको, काफल के पेड़ भी यहाँ पे काफ़ी आपको देखने को मिल जाते हैं। पेड़ों में यहाँ पे काई जम चुकी है, ये काई कभी हटती नहीं है, यहाँ पे इतना ठंडा वेदर होता है। ये जून का मंथ है और आज अबाउट जून जो है एंड होने वाला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन है, मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फॉरेस्ट, और आप सोचेंगे कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन आगे हमको डॉग बार्क की आवाज़ आ रही है, तो डॉग बार्क की जैसा साउंड आ रहा है जो कि यहाँ पे बार्किंग डियर का साउंड होता है,
वो बार्क कर रहा है नीचे से, मुझे सुनाई दे रहा है। दिस इज वाइल्ड नेचर ट्रैक। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों इस ट्रैक को करने में। वैसे हम लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। बहुत खूबसूरती से इस जगह को डिजाइन किया है, मेंटेन करके रखा गया है। पूरा वॉकिंग ट्रैक है, बहुत खूबसूरत ट्रैक है। इनसे अगर आप कर सकते हैं तो इस ट्रैक को जरूर करिए। थोड़ा सा ही है, ERC से 1.5 किलोमीटर का, जैसे मैंने आपको बताया, इससे ज्यादा नहीं है। ये ट्रैक करके इस डेस्टिनेशन पे आ सकते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आते हैं तो फिर हमको सारे माउंटेन्स नीचे दिखने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए दोस्तों, जब हम स्टॉप में पहुँचते हैं तो सारे माउंटेन्स हमको नीचे दिखने शुरू हो जाते हैं। पेड़ देखिए पूरा ऊपर से इतने डेंस बन जाते हैं कि नीचे जंगल में कुछ दिखाई देना नहीं, दिखाई नहीं देता है। और दोस्तों देखते ही देखते हम लोग पहुंच गए हैं विंसर जीरो पॉइंट में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो आइए ऊपर चलते हैं और ऊपर से विंसर जीरो पॉइंट के नज़ारे को देखते हैं कैसा है। और फ्रेंड्स, ये हम लोग पहुँच रहे हैं विंसर जीरो पॉइंट, और यहाँ का अद्भुत नज़ारा आपको दिखाता हूँ। पहले दोस्तों, जिस साइड को मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक बहुत ऊंचा टावर होता था। हो सकता है कि आपको उस टावर के कुछ पिलर्स मैं आपको दिखा दूँ। जब हम आते थे, मैं बात कर रहा हूँ 2003-04 की, उस टाइम पे शायद आपको पिलर्स दिख पा रहे होंगे। इन पिलर्स पे टावर बना हुआ था ये जी, और अब उन्होंने यहाँ पे एक टावर बना दिया है। इसके ऊपर से आप नज़ारा कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत अच्छा खूबसूरत जो व्यू है यहाँ से आपको देखने को मिलता है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और पहाड़ों को कुछ देखते हैं, क्योंकि ये मई जून का महीना है तो अभी तो इतना यहाँ पे देखने को मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी पहाड़ों में आकर के एक अजीब सी शांति मन को ज़रूर मिलती है, जो कि सचमुच में आप
बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करती है। दोस्तों ये जो बादल दिख रहे हैं इसके पीछे ही हिमालय है। तो दोस्तों ये था हमारा बिनसर का एक छोटा सा ट्रिप। उम्मीद करते हैं कि आपको ये ज़रूर से पसंद आया होगा, और अगर आपको ये ट्रिप अच्छा लगा है तो आप लोग ज़रूर से अपने वैल्यूएबल कमेंट्स इसमें ज़रूर डालिएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, ताकि मैं आगे भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जो है अच्छे अच्छे वीडियोस दिखाता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आगे नए वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।